आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोगों ने देखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशनल कैरियर प्रारंभ कर रहा है और उसको कोई मेंटर मिल जाता, अनुभवी परामर्शकार, तो वो उसके कैरियर को बहुत आगे बढ़ा देता। अगर कोई एथलेटिक्स, क्रिकेट आदि में विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहता, उसको कोई मेंटर मिल जाए। ये मेंटर इंग्लिश का शब्द है जो बहुत फेमस हो गया आजकल के एकेडमिक सर्कल्स में, तो हिंदी अनुवाद उसका यही बनता है कि अनुभवी परामर्शकार, अर्थात कोई अनुभवी टीचर मिल जाए। जापान में शब्द उपयोग किया जाता है सेंसेई। सेंसेई मतलब जो मार्शल आर्ट्स का जो टीचर है, उसका शब्दार्थ ये बनता है जो हमारे पहले गया, यानी उसने पहले कर लिया, अनुभव कर लिया, तो वो आपकी मेंटरिंग कर सकता है। तो उसके द्वारा आप मार्शल आर्ट्स को आसानी से सीख सकते हैं। फ्रांस में शब्द का उपयोग होता है ट्यूटर। ट्यूटर का मतलब पर्सनल टीचर, जो व्यक्तिगत रूप से आपको सिखाता है। इंग्लैंड में शब्द का उपयोग करते हैं गाइड। गाइड का तात्पर्य क्या है? आपको कहीं यात्रा करनी है तो आपको पता नहीं कैसे वर्तमान स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, तो गाइड वो परिचित है और आपका मार्गदर्शन कर लेता है। एवं अमेरिका में शब्द का उपयोग होता है कोच। अब कोच ये हॉर्स ड्रॉन चैरियट होती थी 15वीं शताब्दी में, जो व्यक्ति को उठा के गंतव्य स्थान तक पहुंचाती थी। इसी प्रकार से कोच भी हमको ले जाता है लक्ष्य तक। तिब्बत में शब्द का उपयोग होता है लामा। लामा का मतलब धम्मा का टीचर। धम्मा मतलब धर्म का टीचर, ये लामा। और जो सबसे ऊंचा लामा है उसका नाम दलाई लामा। तो ग्रीस में, ग्रीस से ये शब्द आया मेंटर, जो जिसने इलियड और ओडिसी लिखे, होमर, होमर के टीचर का नाम था मेंटर। तो इसलिए वो मेंटर शब्द प्रसिद्ध हो गया, अनुभवी परामर्शकार। तो आजकल तमाम लोग प्रयत्न करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हमको यदि निपुण होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उस क्षेत्र का कोई मेंटर मिले। हमको भी अपने कॉलेज की ईमेल लिस्ट से, एलुमनाई एसोसिएशन से चिट्ठी आती, सबको जाती, जो विद्यार्थियों की आप लोग तो पास आउट किए हुए हैं, जो विद्यार्थी अभी कॉलेज में हैं, अगर आप उनकी मेंटरिंग करना चाहें तो बताएं। अब उनको, उनके लिस्ट में तो लिखा नहीं कि स्वामी जी बाबा बने, इसलिए हमको भी भेज रहे, फिर अभी हम उनकी मेंटरिंग करें तो उनको भी बाबा बना दो। तो ये मेंटर का महत्व बहुत हो गया। किसी प्रकार से हमको सही मेंटर मिल जाए। तो मेंटर मिले इतना ही नहीं, सही मेंटर मिलना चाहिए। अगर गलत मेंटर है तो फिर सर्वनाश कर देगा। एक बार दो भिखारी पार्क के बेंच पर बैठे हुए थे, 11 बजे सब लोग ऑफिस में होते हैं, फटे हुए कपड़े। पहले भिखारी ने दूसरे से पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसने कहा, मैंने किसी की सलाह को स्वीकार नहीं किया। उसने पहले से पूछा, तुम्हारा ये फटीचर हाल कैसे हुआ?
उसने कहा मैंने सबकी सलाह को स्वीकार कर ली। दोनों साइड खतरनाक है ना। ऐसे ही मेंटर हो लेकिन सही मेंटर मिले। तो मेंटर को कैसे पहचानते? अब वो सांसारिक क्षेत्र में पहचान के तरीके बताए गए, जो आजकल के एजुकेशनलिस्ट इत्यादि बताते हैं। पहले तो मेंटर के पास ज्ञान होना चाहिए। अगर उसके पास विशिष्ट ज्ञान नहीं है तो फिर वो विद्यार्थी को क्या विशिष्ट ज्ञान देख। इसलिए उसके पास उस सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान हो, थ्योरी की नॉलेज। हमें याद आता है कि एक इंडिया की कंपनी कई साल दशक पहले, हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में पीछे थे, तो उसने जापान की एक टेक्नोलॉजी हाउस को कांटेक्ट किया टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए। तो जापान की कंपनी ने कहा हम टर्न की प्रोजेक्ट लगाएंगे। टर्न की प्रोजेक्ट ऐसा होता है, वो आके पूरा प्लांट सेटअप करते हैं और बाद में ग्राहक कंपनी को चाबी दे देते हैं, इसको घुमाओ और तुम्हारी प्रोडक्शन लाइन चालू। तो उन्होंने स्वीकार किया, पूरा प्लांट सेटअप हो गया। वो एक साल की गारंटी के साथ था, 12 मास। अब बड़े धूमधाम के साथ में उसकी चाबी घुमाई, इनॉग्रेशन हुआ और प्लांट ठीक ठाक चलता गया। जैसे गारंटी पीरियड खत्म हुआ 13वें मास में सब मशीनें बंद हो गई। उन्होंने जापान की कंपनी को कांटेक्ट किया। टेक्नोलॉजी हाउस ने कहा कि आप गारंटी पीरियड के बाहर हैं, हम अपना सर्विस इंजीनियर भेजेंगे लेकिन ऑन चार्ज रिपेयर होगा। अरे भाई ठीक है, अब ठीक तो करना ही है, हम पेमेंट करेंगे। वहां से टोकियो से इंजीनियर आया फरीदाबाद, उसने प्लांट को देखा, ऐसे घूमते हुए थोड़ी ठोकाठाकी की और फिर एक जगह उसने पाया एक स्क्रू ढीला था। उसने कहा स्क्रू ड्राइवर लाओ, और वो स्क्रू को उसने टाइट किया तो पूरा प्लांट काम करने लगे। उसने कहा इसके चार्ज होगा $100,000। $100,000 चोर, एक स्क्रू को टाइट करने के लिए $100,000। उसने कहा $100,000 स्क्रू टाइट करने के लिए नहीं है, जानने के लिए है कि कौन सा स्क्रू ढीला है। अरे भाई मैंने जो तमाम बीटेक एमटेक इत्यादि किया और 25 साल का एक्सपीरियंस था सर्विस डिपार्टमेंट में, उसके आधार पर मैं समझ पाया कि कौन सा स्क्रू ढीला है। तो इसी प्रकार से मेंटर के पास इतना ज्ञान हो कि वो जान जाए कि हमारा एक ढीला है कि दो ढीले हैं और कौन से ढीले हैं। तो मेंटर के पास वो ज्ञान होना चाहिए। उसके आगे वो मेंटर एक रोल मॉडल हो। रोल मॉडल मतलब उसके उदाहरण से हमको प्रेरणा मिले। अरे वो तो ऐसा ऐसा, तो हमको प्रेरणा मिले।